सेब सीजन के दौरान हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में सेब खरीद के लिए सड़क के साथ जगह जगह स्टॉल लग जाते हैं। इस दौरान कई सेब आरती बागवानों को चूना लगा रहे हैं। सेब मंडियों में आरतियों और सेब खरीदार लादनियों की जुगलबंदी के चलते अवैध रूप से तौलिए के नीचे हाथ रखकर बोली लगाने का क्रम अब भी बदस्तूर जारी है। हालांकि सरकारी स्तर पर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास लगातार जारी है। एपीएमसी की ओर से तौलिए के नीचे हाथ रखकर सेब की बोली लगाने वालों और कारोबार कम दिखाकर सरकार को कम टैक्स देने वालों को दंडित भी किया गया है। बावजूद इसके बागवानों से लूट अब भी जारी है। बागवानों को आरती सेब लेने के बाद चेक थमा रहे हैं, लेकिन जब बागवान बैंक पहुंच रहे हैं तो कई चेक फर्जी पाए गए हैं। ऐसे में सेब बेचने के बाद पैसों के लिए बागवान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रामपुर के बागवान हरीश लकटू ने बताया कि हमारा सेब मंडियों में जा रहा है, लेकिन सेब के दाम मंडी में आरती और खरीदार लादानी तौलिए के नीचे अंगुलों के इशारे से तय कर रहे हैं। बागवान को पता ही नहीं चलता कि उनके सेब का असल में दाम कितना तय हुआ है। आनी के बागवान रामकृष्ण ने बताया कि उन्होंने नारकंडा में 29 जुलाई को 2,10,000 के सेब बेचे थे। आरती ने 4 दिन बाद एक चेक कराया, लेकिन जब वे चेक कैश में कराने गए तो बैंक से पता चला कि जो चेक दिया गया है वह खाता पहले से ही बंद हो चुका है। केकसू सब्जी मंडी के प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि उनका प्रयास है कि बागवानों को सेब का सही दाम मिले। उन्होंने बताया कि एपीएमसी की ओर से तौलिए के नीचे बोली लगाने वाले आरतियों को व मार्केट शुल्क कम दर्शाने वालों को जुर्माना लगाया गया है। आरतियों को चेतावनी पत्र भी बार बार दिए जा रहे हैं। उपायुक्त मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला में अगला जनमंच 13 अक्टूबर को सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सलापड़ में होगा। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलापड़ के परिसर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपायुक्त कार्यालय में जनमंच कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ने की। कार्यक्रम में क्षेत्र की 14 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें स्थानीय ग्राम पंचायत सलापड़ के साथ साथ जरल, बटवाड़ा, धवाल, सलापड़ कॉलोनी, कांगू, बोबर, जडोल, सलवाना, जम्बाला, नालग, चनोल, बरोटी और डेहर पंचायतें शामिल हैं। इन पंचायतों में प्री जनमंच गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। अधिकारी गांव में अपने विभाग के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही सरकारी योजना एवं कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर में भाग लेंगे। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जनमंच दिवस से पहले सभी संबंधित पंचायतों में प्री जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि प्री जनमंच कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखें, ताकि उनकी उपमंडल स्तरीय समस्याओं का निपटारा मौके पर ही हो जाए। इसके अलावा प्री जनमंच में प्राप्त जिला स्तर से संबंधित शिकायतों को जनमंच में निवारण के लिए रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्री जनमंच से संबंधित पंचायत में अपने विभाग के कार्य और परियोजनाओं का निरीक्षण करें व गतिविधि की रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक एसडीएम को दे दें। एनएसयूआई ने रूसा को लेकर सचिवालय का घेराव किया। एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर सचिवालय तक रैली निकाली। एनएसयूआई ने रूसा प्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि जानबूझकर छात्रों को फेल किया जा रहा है, ताकि छात्रों से दोबारा से फीस वसूली जा सके। एनएसयूआई ने मांग उठाई है कि जल्द रूसा की खामियों को दूर किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री व सभी मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। इस दौरान एनएसयूआई के छात्रों की पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई।
सोलन को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और शहरवासियों को रैलियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है ताकि वे भी शहर को सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दे। आज भी शहर में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। रैली की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन के सी चमन ने रैली में स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, नगर परिषद और जिला प्रशासन ने भाग लिया और शहर को स्वच्छ रखने के लिए सभी को प्रेरित किया। इस मौके पर उपायुक्त सोलन के सी चमन ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोलन में अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों को शहर को सुंदर बनाने के लिए और इसे स्वच्छ बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें 1 अक्टूबर तक रैलियों का आयोजन जिला भर में किया जाएगा। साथ ही उसके बाद पॉलिथीन एकत्र किए जाएंगे और ये लक्ष्य लिया गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी तक समूचे जिला को कूड़ा रहित बनाना है ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे और आने वाले पर्यटक भी सोलन को देखकर हैरान रह जाएं।